अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ मज़ेदार से पोटैटो सैंडविचेस। और ये सैंडविचेस जो हैं आप बच्चों को अपने लंच बॉक्स में उनके रख के दे सकते हो और इवनिंग के स्नैक्स के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। अचानक वाले अगर आपके कोई मेहमान आ जाए तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कुटी मिर्चें ले ली है, नमक ले लिया है, चाट मसाला, और यहाँ पर मैंने एक स्पेशल इन्ग्रीडियंट डाला है, वो है भुना हुआ पिसा हुआ गर्म मसाला, और नमक डाल दिया है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और इतने मज़े का इसका फ्लेवर आता है गर्म मसाले से। अब इसके अंदर सॉसेस जाएंगे। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस ऐड किया है, मैंने यहाँ पे सोया सॉस ऐड किया है, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चिली सॉस। ये तमाम सॉसेस इस तरह के हैं कि अगर आप इसको लाइट लाइट सा भी ऐड करेंगे तो एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अच्छी तरीके से हम इसको मैश कर लेंगे। नाउ टाइम टू टेक ब्रेड, और ब्रेड ले लें, कोई भी फ्रेश ब्रेड लें, जो बहुत ज़्यादा उसकी फ्रेशनेस है ये मैटर करती है सैंडविचेस में, कि अच्छी फ्रेश ब्रेड होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर तमाम आलू का जो मिक्सचर है वो अपनी ब्रेड पे स्प्रेड कर दूंगी, और स्प्रेड करने के साथ साथ मैं आप इसके अंदर केचप भी लगा सकते हैं। मुझे इसको फ्राई करना था तो इसलिए मैंने केचप अवॉइड करा है। इसी के साथ अब इसको मैंने अच्छे तरीके से फैला लिया है, और अब आप इसके अंदर कुछ भी और धनिया पुदीना हरी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि बहुत लाइट से बनाना था मुझे। वैसे ही इसमें अंडा वगैरह लगेगा तो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, सो डेट्स वाई मैंने इतना लाइट रखा है। मैंने इसको सैंडविच की शेप में ही कट कर लिया, आप इसको स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हो। नाउ टाइम टू टेक एग्स। मैंने यहाँ पे 2 एग्स ले लिए हैं, और अब उसके अंदर मैं नमक डालूंगी। काली मिर्ची भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अंदर मैंने अच्छा खासा स्पाइसीनेस करा इसको, तो इसलिए मैंने यहाँ पर काली मिर्च ऐड नहीं किया है, सिर्फ नमक ऐड किया है। और इसको अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। आप इसको फेंट लो। यहाँ इस स्टेज पे मुझे अंडे थोड़े कम लग रहे थे, तो मैंने सोचा इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के अंडों को बढ़ा दिया जाए। थोड़ा सा मैंने दूध डाला और अंडों की कुछ इस तरह से चकल आ गई थी। अब हम इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर कोट कर लेंगे, एंड देन वी हैव टू फ्राई। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, शैलो भी कर सकते हो, नॉर्मल ऑयल में भी कर सकते हो, तो मैंने कम ऑयल लेके इसको फ्राई कर लिया है। नॉर्मली इसको 2 to 3 मिनट्स लगते हैं, ब्रेड बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाती है क्योंकि वो तो ऑलरेडी कोक्ड होती है, बैटर भी हमारा आलू का कोक्ड है। तो यहाँ पे ये फ्राई हो चुके थे, बहुत मज़े के थे, बहुत प्यारा कलर आया था, क्रिस्पी से थे। तो आई होप आप लोगों को भी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा, और ये वाला सैंडविचेस ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक दीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में इस चीज़ को ज़रूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।